इस साल बैसाख पूर्णिमा 23 मई को मानी जा रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। बैसाख महीने की पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व दो गुना हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करने वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार धन की देवी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा पर पूजा पाठ के अलावा कुछ खास चीजों को खरीद कर घर लाएं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि इस बार बैसाख पूर्णिमा में व्रत की पूर्णिमा 22 मई की मानी जा रही है और 23 मई को स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाएगी। लेकिन इस दिन कुछ चीजें खरीदने से हमारे घर में सुख समृद्धि की साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की मूर्ति घर लाना, लक्ष्मी कुंवर यंत्र लाना शुभ होता है। देखिए, आने वाली 22 और 23 तारीख को वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहेगी। 22 तारीख के दिन व्रत की पूर्णिमा रहेगी और 23 अप्रैल के दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णिमा का यह जो व्रत है पूर्ण रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण और माँ लक्ष्मी के लिए समर्पित व्रत है। इस दिन हमको किसी पवित्र नदी में स्नान करके यथासंभव दान पुण्य भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो भी संकट बाधाएं वे दूर होती हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा विशेष धन लाभ हमको हो, आर्थिक लाभ हमको हो, इसके लिए हमको कुछ उपाय करना चाहिए। पहला हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से इस दिन माँ लक्ष्मी की हमको पूजन करना चाहिए। श्री सूक्त के द्वारा भगवती लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्त के द्वारा ही हमको हवन भी करना चाहिए और यदि हम कर सकते हो तो गाय के शुद्ध घी में पीली सरसों, कमल गट्टे इत्यादि मिलाकर के, बेलफल इत्यादि मिलाकर के भगवती लक्ष्मी के जो 1000 नाम है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, उसके द्वारा हमको विशेष हवन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो भी आर्थिक संबंधित समस्याएँ हैं उन समस्याओं का निदान होगा, धन लाभ होगा हमको, देवी लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होगी और हमारे जीवन से दुख दरिद्रता का समापन होगा और सुख शांति की हमको प्राप्ति होगी। अब दूसरी दृष्टि से यदि हम देखें, वास्तु की दृष्टि से, कि वैसाख की पूर्णिमा के दिन हमको क्या करना चाहिए वास्तु के अनुसार, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि इत्यादि जो है वह बनी रहे, धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो। तो ऐसा करने के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इस दिन हमको हमारे घर में श्री यंत्र कुबेर यंत्र को स्थापित करना चाहिए। उनको स्थापित करें, विधिवत उनका पूजन करें, प्रतिदिन उनका पूजन करें। तो ऐसा करने से धन संबंधित जितनी भी परेशानी है, संकट हैं, वे सब दूर होते हैं। और यदि हमारे जीवन में, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे ऑफिस में जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारी दुकान इत्यादि में यदि किसी प्रकार की धन संबंधित या अन्य कोई भी बाधा संकट है, तो हमको अभिजीत मुहूर्त में या किसी शुभ चौघड़िया में एकाक्षी नारियल को ला करके विधिवत ढंग से उसका पूजन करके उस कार्यस्थल पर स्थापित हमको करना चाहिए। हम यदि ऐसा करते हैं तो जो भी दोष बाधा संकट है वे दूर होंगे और धन का आगमन जो है वह सुनिश्चित होगा। और घर में यदि किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उस दिन हमको एक चांदी का नया सिक्का खरीदना चाहिए या चांदी का हाथी हमको खरीदना चाहिए, चांदी का कछुआ हमको खरीदना चाहिए और वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन घर में पूजन के स्थान पर रख करके उसका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति होती है, स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई परेशानियां हैं वह भी दूर होती हैं और निश्चित ही हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है।